नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव के साथ ही हम जानेंगे नामांकन में किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत है और हम कैसे जो है नामांकन करा सकते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। पंचायतों में अब चर्चा आम हो गया है कि अब उम्मीदवार मतदाता के पास पहुंच रहे हैं और चुनाव की तारीख के बारे में बताते हुए यह भी कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा, साथ में वे चुनाव जीतने के बाद के कार्यों के बारे में भी बता रहे हैं। ऐसे में आइए अब हम जान लेते हैं, जब कोई भी उम्मीदवार नामांकन कराने जाएंगे तो उस समय किन किन कागजातों की जरूरत होगी। आयोग ने इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से नामांकन कराने की बात कही है। ऑफलाइन माध्यम से नामांकन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र के साथ ही कई जरूरी कागजात जमा करने का निर्देश दिया है, जिसमें नाम निर्देशन पत्र, प्रपत्र संख्या 6, शपथ पत्र, अनुसूची 1, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 136 के संबंध में जो है इसको जमा करना होगा, अनुसूची 2 जिसमें कि मतदाता सूची में अभ्यर्थी व प्रस्तावक के नाम दर्ज होने से संबंधित जो है घोषणा उसमें होगा, अनुसूची 3 जिसमें कि शपथ पत्र व एनेक्सर में दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र जो है उसमें जमा करना होगा, अनुसूची 3 का इसमें अपराध संबंधी व शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जो है आपको पूरी जानकारी देनी होगी, इसके साथ साथ अनुसूची 3 के ख जिसमें कि अभ्यर्थी का बायोडाटा देना होगा, साथ ही साथ नाम निर्देशन शुल्क, चालान या फिर नजीर रसीद की मूल कॉपी भी, आरक्षित पद पर दावा करने वाले संबंधित जाति प्रमाण पत्र की मूल कॉपी भी नामांकन पत्र के साथ जो है आपको संलग्न करनी होगी। आइए अब जरा हम इसे आसान भाषा में समझते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जो है उस दौरान जरूरत पड़ेगी। आयोग की तरफ से पहले यह साफ हो गया है कि पंचायत चुनाव में नामांकन कराने के लिए सबसे पहले जो है आपकी उम्र सीमा जो है 21 साल होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें कि आपका जन्म तिथि और मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास मतदाता पहचान पत्र भी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की भी जरूरत है। इसके साथ साथ आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ आपके पास, आप अगर आरक्षण कोटि से आते हैं तो अब फिर आपको जाति का प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके साथ साथ आपके पास चल अचल संपत्ति का शपथ प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही जब आप शपथ पत्र दाखिल करेंगे तो आपके पास 3 शपथ पत्र भरवाए जाएंगे, वो भी जो है आपको उस दौरान फिल करना होगा। इसके साथ साथ पैन कार्ड के बारे में आपको पूरी जानकारी जो है उस दौरान आयोग को बतानी होगी या फिर आप नामांकन के दौरान उस सबको आपको दिखाना होगा। नामांकन के दौरान आपको जो है जमानत राशि भी जो है वहाँ पे जमा करनी होगी। इसके साथ साथ आय का प्रमाण पत्र जो है आपको देना होगा। अब हम जान लेते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से जो है हम कैसे इसका जो है नामांकन करेंगे। डॉक्यूमेंट जो हमने ऊपर में बताया वो डॉक्यूमेंट जो है आपको ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, दोनों माध्यमों में जो है आपको देना होगा। आयोग ने इस बार कोरोना महामारी के कारण ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल करने की सुविधा दी है। इससे के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट acc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नामांकन के बाद आपका प्रिंट निकालकर निर्वाचित पदाधिकारी की ओर से जारी सूचना के बताए गए स्थान पर नामांकन दाखिल करना होगा। इस बार नॉमिनेशन का समय भी जो है निर्धारित कर दिया गया, सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक नॉमिनेशन पेपर जमा कर सकते हैं। साथ साथ अभ्यर्थी से फॉर्म लेते समय स्क्रूटनी भी करना जरूरी होगा। इस बार जो है ये एक नया प्रोसेस जो है वो जमा किया गया है। इसके साथ साथ अब जो है आपको कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। इस बार जो है नामांकन को लेकर कोरोना का जो है अलग से गाइडलाइन जो है वो दी गई है। इसमें कहा गया है कि आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि नामांकन के समय अभ्यर्थी के साथ एक प्रस्तावक नामांकन के समय उपस्थित रहने के साथ ही अनुमान होगा, यानी कि जब आपका नामांकन होगा तो आपके साथ एक जो है प्रस्तावक ही साथ में जा सकते हैं। नामांकन के अवसर पर अधिकतम एक वाहन की अनुमति होगी। नामांकन समीक्षा यानी कि स्क्रूटनी एवं प्रतीक आवंटन के अवसर पर सामाजिक दूरी का अनुपालन हेतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्वाचित पदाधिकारी के कक्ष में पर्याप्त स्थान उपलब्ध है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो इसको लेकर भी जो है आप कैसे जो है उसको निर्वाचित पदाधिकारी मुहैया कराएंगे, जगह, 2 गज की दूरी, इन सब चीज़ों का जो है वहाँ पर पालन करना होगा। नामांकन के अवसर पर अधिकतम एक वाहन की ही अनुमति होगी, हमने बताया गया। नामांकन के दौरान की पूरी प्रक्रिया जिसमें कि किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत है और खास करके कोरोना गाइडलाइन का जो है हमें पालन करना होगा। तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जो है सुगबुगाहट तेज है, अधिसूचना भी जारी हो गई है और अब जो है नामांकन की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो उसमें जो है इन कागजातों की जो है आपको जरूरत पड़ेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।